सुबह हम खपलू जा रहे हैं लेकिन हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा। ब्लॉसम्स कर्दू के अंदर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो खपलू वाली साइड का ब्लॉसम देखने के लिए अभी एक जगह रहीम। अभी मैं खपलू जा रहा हूँ और ब्लॉसम्स कर्दू के अंदर तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, तो खपलू वाली साइड का ब्लॉसम देखने के लिए अभी एक जगह यहाँ रुके हुए हैं हम। गवाड़ी जगह है उससे थोड़ा सा आगे, इसका क्या नाम है जाफर भाई पता है कुछ? गवाड़ी है, गवाड़ी 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 में ही है, गवाड़ी से हाँ गवाड़ी में ही रुके। तो यहाँ पे आप देखें क्या एक जगह पे आपको क्या कुछ मिलता है। ये सामने आपको वाइट और पिंक फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, ऊपर माउंटेन्स हैं, उसके ऊपर फिर बर्फ पड़ी हुई है और इस साइड पे खूबसूरत वैली और ये दरिया है। और इस सीज़न में दरिया का साफ सुथरा पानी होता है, सर्दियां सारी, गर्मियों में तो ये गतला पानी होता है क्योंकि बर्फ पिघल के आ रही होती है। और पीछे वैली में देखें तो ब्लॉसम के कलर्स भी हैं, ग्रीन ट्रीज भी हैं और पीछे बड़े बड़े पहाड़। तो ये जो चीज़ है ना ये मुझे यहाँ पे लाती है। और ये एक जगह पे आपको बहुत कम ऐसा चांस होता है कि एक जगह पे सब कुछ मिले, तो यहाँ स्कर्दू की ये स्पेशलिटी है कि आपको ये सब कुछ एक जगह पे मिल जाता है। पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, ये पंप जो है ना इन पे आके तो घूम फिर रहे हैं, जगाते फिर रहे हैं सारे पंप से, ये चौथा पंप है लेकिन कोई यहाँ पे हमें लिफ्ट ही नहीं करा रहा। लग रहा अब आगे कहीं से मिल जाए। 6:15 का टाइम है और यहाँ कितना डिस्टेंस कपलू है, कितना है? ये थर्मल लगे कोई 3-1 घंटे लगते हैं, मतलब 120 किलोमीटर है या उससे थोड़ा कम है? हाँ 100 तक एग्जैक्ट, फिर बाद में आपको बताएंगे। अब एक और पंप पे जगाते फिर ये पंप के बाद जो है ना आखिरी उम्मीद हम फिर वापस सिटी में आ गए दोबारा कि कोई तो मिल जाए, तो बस कुछ मिल गया शुक्र है, नहीं तो फिर आज का प्रोग्राम ही जो है ना वो ख़त्म करना पड़ता। खपलू जाते हुए ये पुल के ऊपर पुल से क्रॉस करना पड़ता है और राइट साइड पे ये खरमंग वैली को जाता है जिसपे मंथोका वाटरफॉल और खमश वाटरफॉल है। और इस साइड पे खपलू जाते हैं, 58 किलोमीटर है खपलू यहाँ से, तकरीबन 1.5-1 घंटे का सफ़र है और इसको गांछे डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या मिलता है, हर वक्त भाग जाते हो कहीं ना कहीं, तो मुझे ये मिलता है। इस व्यू को आप देखें, साफ दरिया का पानी है, यह खपलू से आता हुआ दरिया है शोक, और सामने वैली के अंदर आपको
डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे खुबानी और चेरी के फूल हैं। और इस पूरे रीजन में ये आप देख सकते हैं कि हर तरफ इन्हीं का राज है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। आप एक जगह पे देखें, ये ब्लॉसम के कलर्स नज़र आ रहे होंगे। और ये सामने दरिया है और ये डेजर्ट है, वाइट सैंड यहाँ पे होती है, देखें बिल्कुल वाइट सी सैंड आपको नज़र आएगी। सामने जो आपको रोड नज़र आएगी, ये सियाचिन वाली रोड है, इससे सियाचिन जाते हैं। और ये जो माउंटेन्स आपको सामने नज़र आ रही हैं, इसके पीछे फिर सियाचिन का रीजन स्टार्ट हो जाता है। हम उसके अपोजिट साइड पे खड़े हैं। जिस रीजन में अभी मैं मौजूद हूँ, मचलो स्कर्दू से आगे है, तो यहाँ पे दोस्तों ने ये बताया था कि स्कर्दू में तो ब्लॉसम ख़त्म हो गया है। यहाँ जहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे फुल पीक है। अभी आप देख सकते हैं फ्लावर्स को गिरते हुए, और कुदरत के रंग हैं कि हर साइड पे एक ही जैसे दरख्त, एक ही जैसे ब्लॉसम के कलर्स। अमेजिंग अमेजिंग। जिंदगी का यही हुस्न है कि इंसान अपनी लाइफ एंजॉय करे, खुद को टाइम दे, टफ रूटीन में से अपने लिए टाइम निकाले। और मेरा तो यही मोटिव है, इसमें बहुत मज़ा आया। फ्लावर्स के साथ खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। जो लोग बस घरों में ही पड़े रहते हैं, तो निकले, कुदरत के हुस्न को एंजॉय करें। और मेरे एक दोस्त कहते हैं कि कुरान पाक में जो आयत है सीरू फिलर्स, तो तुमने
पूरा उस पर अमल किया हुआ है, तो अल्लाह मदद भी करता है। मैं यहाँ पे आके परेशान हो गया था कि बस अब तो ये ब्लॉसम ख़त्म हो गया, मुझे ये कलर्स, ये ब्यूटी, ये नहीं मिलेगा, लेकिन चलो चलो ये सारे बच्चे जो है ना ये मेरे साथ ड्रोन शॉट्स दिलवा रहे थे। हाथ लाएं, इन सब बच्चों के साथ ड्रोन शॉट बनाए। बच्चों लो स्कूल नहीं गए थे कि छुट्टी होगी? हैं, स्कूल नहीं जाते हैं? छुट्टी होगी स्कूल से, गुड। तो यूनिफॉर्म के बगैर जाते हैं ये मचोलो के बच्चे? सर्दियों में क्या करते हैं? बर्फबारी जब होती है, बर्फ होती है, हैं? नहीं तो इधर गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा हो जाता है। ये सामने पीक्स हैं मशबरूम की सीरीज वाली। अब दो तीन बंदों से पूछा है, उन्होंने भी कहा हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे ये मशबरूम ही है। ये आप बिल्कुल टॉप पे देखें, हाइट इसकी काफ़ी है।
खपलू से आगे है और ये मुझे भी अभी पता चला कि इसको दो रास्ते जाते हैं। अभी जो पुल का व्यू आपने देखा था, उस पुल से एक गांव आगे बलगार आता है और बलगार दगोनी, और उससे गुजर के फिर वैलीज के अंदर अंदर से जो है ना ये फिर आगे है। रास्ता कच्चा है लेकिन जीप वगैरह पे अगर आप आते हैं तो आप आराम से आ सकते हैं। दूसरी साइड पे तो सिर्फ रोड ही है, तो इस साइड पे ये है कि वैलीज का व्यू आप कर सकते हैं। तो अगर आपने सिलिंग आना हो, सिलिंग खपलो से आगे, हमने अभी सिलिंग से आगे मचोलो जाना है, तो वहाँ पे ये है कि इस टाइम जो ब्लॉसम है वो पीक पे है, बाकी जगह पे कम हो चुका है। तो आप अगर समर में भी आते हैं तो दोनों साइड से आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं इस साइड पे भी, उधर तो सिर्फ रोड है और फिर लेफ्ट साइड पे दरिया ही नज़र आता है, तो इस साइड पे वैलीज के अंदर से आप जा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खपलू से आगे मचोलो हम आए हुए हैं और यहाँ पे इस टाइम ब्लॉसम फुल पीक पे है, बाकी जगहों पे कम हो गया था लेकिन सबसे ज़्यादा पीक पे यहाँ पे है। वंडरफुल के भाई, चलो मर्जी। सामने आपको जो नज़र आ रहे हैं बहुत सामने झुग्गियाँ लगी हुई हैं, अभी हम वहाँ पे गए थे और इधर से भी एक बंदा आ रहा था। ये यहाँ सोना निकालते हैं और अभी आपने इंस्ट्रूमेंट देखा इनका भी, जो बंदा जा रहा था ना तो वो उसने पीछे लटकाया हुआ था, तो इसको दरिया के पानी को और ये जो साइड पर मट्टी शट्टी पड़ी होती है उसको साफ करके छान के उसमें से फिर